नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। ब्लास्ट फर्नेस विभाग में विशेष पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। प्रेरणा कार्यशाला आयोजित। और सेंटरिंग प्लांट 2 विभाग में माह का कर्मचारी पुरस्कार समारोह आयोजित। अब समाचार विस्तार से। ब्लास्ट फर्नेस विभाग में 18 जुलाई को एक विशेष पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। महाप्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस श्री अतनु भौमिक ने समारोह की अध्यक्षता की और 22 कर्मचारियों को उनके अनुकरणीय योगदान हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री एस राजा, उप महाप्रबंधक ऑपरेशन श्री ए के मिस्त्री, उप महाप्रबंधक ऑपरेशन श्री MNVS प्रभाकर और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री भौमिक ने पुरस्कार विजेताओं की प्लांट के निष्पादन में सुधार के प्रति अपनी निष्ठा, समर्पण भाव और योगदान के लिए सराहना की। उल्लेखनीय है कि समूह को विशेष परियोजना के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें उन्होंने अपने अथक प्रयास से ब्लास्ट फर्नेस 1 के स्टार्ट और पुनरुद्धार के दौरान स्लैग पॉटों की निर्विघ्न और लगातार उपलब्धता सुनिश्चित की थी। सहायक प्रबंधक कार्मिक श्री संजीव बेहरा ने कार्यक्रम का संचालन किया। HRD सेंटर में 20 और 21 जुलाई को प्रेरणा की एक 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में कुल 71 कर्मचारियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम गैर कार्यपालकों के लिए उद्दिष्ट था, जिसमें प्रसन्नता के साथ कार्य करना, कम श्रम शक्ति मनोभाव और मानसिकता, दलगत कार्य, निर्णय लेना, जिम्मेदारी, जवाबदेही, अभिप्रेरणा और सृजनशीलता जैसे दक्ष पहलुओं पर केंद्रित था। आउटबाउंड सिमुलेशन गेम्स, सिंडिकेट चर्चाएं और प्रस्तुतिकरण भी आयोजित किए गए। महाप्रबंधक CEO एवं CC श्री बी पटनायक ने समापन समारोह की अध्यक्षता की और प्रतिभागियों से उनकी प्रतिक्रिया ली। सत्रों का संचालन घरेलू संकाय सदस्यों द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन उप महाप्रबंधक CPTI श्री एस महांति एवं सहायक प्रबंधक HRD श्रीमती अन्नपूर्णा बेहरा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम RSP के CEO श्री अश्विनी कुमार के मार्गदर्शन में 10 अप्रैल को HRD सेंटर में प्रारंभ किया गया था। यह कार्यक्रम महीने में 2 बार आयोजित किए जा रहे हैं। सेंटरिंग प्लांट 2 में विभाग में 21 जुलाई को माह का कर्मचारी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। महाप्रबंधक सेंटर श्री SR दत्त ने समारोह की अध्यक्षता की और SOST श्री SC दास को जून माह के लिए माह का कर्मचारी पुरस्कार हेतु एक प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक उपहार प्रदान किए। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक श्री असित सरकार, उप महाप्रबंधक श्री SK पाड़ी, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, यूनिट कार्मिक प्रतिनिधि और विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री दत्ता ने विभाग के निष्पादन में सुधार के लिए श्री दास की निष्ठा, समर्पण भाव एवं योगदान की सराहना की। उल्लेखनीय है कि श्री दास को स्टॉकअप सामग्री जारी करने के लिए C61 ड्राइव चार्ट के संशोधन में योगदान देने और प्रतिस्थापन समय को कम करने के उद्देश्य से अतिरिक्त स्क्रीन और उम्मीदवारों को रखने के लिए +25 mm स्क्रीन फर्श पर एक मंच प्रदान करने के लिए मान्यता मिली थी। इसके अलावा कुशल हाउसकीपिंग कार्य, कन्वेटर बेल्ट की कोल्ड स्क्रीन के मरम्मत एवं रखरखाव की भी सराहना की गई। उपप्रबंधक कार्मिक श्री शुभेंदु गरुड़ ने कार्यक्रम का संचालन किया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।